हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। मतलब मैं बना रही हूँ उनके लिए सब्जी, और ये जो सब्जी मैं बना रही हूँ गोभी आलू की। तो मैं अक्सर जब सब्जी बनाऊंगी उनके लिए सुबह उठकर इमिडिएटली जल्दी वाली, तो मैं सिर्फ जीरा और हींग से तड़का दे देती हूँ और बना के तैयार कर देती हूँ। लेकिन आज मैं सोच रही थी प्याज वाली बनाऊँ, जिससे थोड़ी सी वो गीली गीली सी भी लगे, वरना बिल्कुल ड्राई सी बनती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को ना बारीक बारीक चॉप किया है, अपने वही चॉपर से चॉप किया है जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और बहुत अच्छा काम करता है, एकदम बारीक सा चॉप हो जाता है। और जीरा डाला है और हरी मिर्ची डाली है, भून लेंगे और सारे मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। मैं कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ क्योंकि कलर अच्छा आ जाता है। हालांकि आप सूखे सब्जी में नहीं डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्रेवी वाली सब्जी में कलर का आना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन अगर सूखी सब्जी में भी डालेंगे ना तो काफ़ी अच्छा सा रेड कलर आएगा और अच्छा लगेगा। और जब मैंने ये सब्जी बनाई थी उसके बाद जब मैंने खुद खाई थी तो सच में बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि प्याज वगैरह की जो नीचे थोड़ी सी थिक थिक सी ग्रेवी सी थी ना, वो उसमें लिपट गई थी और इसका टेस्ट ना और बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे इसको मैंने दे दिया है तड़का और ढककर इसको पका लेंगे जब तक ये आलू गल ना जाए। ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं और सब्जी ऑलमोस्ट तेल भी छोड़ चुकी है, दिख रहा होगा ना, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। अब इस स्टेज पे आप चाहे तो इस पे टमाटर डाल सकते हैं, अगर ना चाहे तो ना डालिए। लेकिन मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। मैं सूखी सब्जी में आमचूर पाउडर का यूज जरूर करती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग भी यूज कर सकते हैं। और बस सब्जी बन के तैयार है। हरा धनिया डाल देंगे, ढेर सारा डाल दीजिएगा हरा धनिया, बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया। और ये देखिए बनके तैयार है। अब इसको उतार लेंगे और थोड़ी सी ठंडी हो जाने देंगे, फिर इसको टिफिन में लगाएंगे और अब बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आटा भी साथ ही साथ मैंने लगा लिया था, मतलब सब्जी को तड़का देने के बाद जब तक सब्जी पकी तब तक मैंने लगा लिया तड़का, सॉरी आटा। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ सेकूंगी उनके लिए, और वो रोटी ही लेके जाते हैं, मैंने बहुत बार बताया है उनको पराठे पूरी ये नहीं पसंद है तो वो रोटी लेकर जाते हैं, तो मैं उनके लिए रोज रोटी ही बनाती हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जी हो, कोई भी दाल हो, कोई भी मतलब ग्रेवी वाली कोई भी मसालेदार सब्जी हो, वो रोटी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं पूरी और पराठे से। तो मैं फटाफट मैं रोटी बना लूँगी और उनका टिफिन लगा दूँगी। गुड इवनिंग एवरीवन। तो सुबह गुड इवनिंग नहीं है, रात वाली नहीं, शाम वाली, हाँ रात ही वाली। तो 8:30 बज रहे हैं और हम लोग सुबह का जो थोड़ी सी क्लिप ली थी वो मैंने ऐड कर दी है, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। आज मजेदार मस्त वाली धूप निकली थी और हम और आद्या दुल्लू बैठे थे धूप में, है ना, हाँ, और धूप ली थी बहुत ही अच्छी सी, खूब अच्छी सी। हाँ वो निकल आया, वो नहीं निकल आती है खाल नाखून के आसपास, वही निकली है इसकी, रूखी रूखी हो गई ना इस वजह से। और ये देखिए मैंने अपना वो मुहासा जैसा कुछ निकला था तो मैंने इसको फोड़ दिया है, तो ये देखिए रेड कलर का निशान सा बन गया है, देखो कब जाता है। एक के बाद एक चीज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। और हाँ, तो मैंने अभी अपना ब्लॉग शुरू किया क्यों, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर पहले चाय पिए और उससे पहले मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ काम नहीं था, लेकिन हाँ लेकिन मुझे अपनी रिपोर्ट उठानी थी। वो किस चीज की थी? वो थी हमारी डायबिटीज की, जो डॉक्टर ने लिखी थी कि एक लास्ट रिपोर्ट रह गई है डायबिटीज की, वो और करा लीजिए। तो बस वही कराई थी मैंने, तो उसकी आज रिपोर्ट आने वाली थी, तो फाइनली उसकी रिपोर्ट है वो आ गई। वो अभी कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं है, देखते क्या बनाते हैं। क्या बनाए? खिचड़ी खाओगे? खिचड़ी नहीं खाओगे? अच्छा नमकीन चिवड़ी बना के खा लो, है ना, वही बना लो, थोड़ा टाइम लगेगा, है इच्छा है खाने की, है खाने की इच्छा है, कितनी सुबह कहाँ चले,
चलो कहाँ कहाँ बीमार अभी बाजार होके आई है बीमार चलो दिया नमकीन से हम कटोरी हटाओ उसे इसमें अभी बूंदी लाए थे खरीद कर तो वो ही खा रही थी है बूंदी खा रही थी बूंदी क्या खा रही थी बूंदी बूंदी तो बनाने गई थी ना मैं नमकीन सेवैया बन गई ना जी नहीं मैं नमकीन सेवैया बनाने के लिए सोच रही थी लेकिन इच्छा नहीं थी हम लोगों की तो मैंने बना लिया पराठा और सब्जी रखी थी सुबह की और बूंदी लाई थी वो लगा दी है तो हम लोग करेंगे अपना डिनर तो सिंपल सा डिनर बस वही कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करने लगी हूँ मैं करने लगी हूँ आद्या को चाहिए था अपने कुछ टॉयज उसको अचानक से याद आ गए तो मैंने बैग में रखे हुए थे जब मैं उस वाले घर से शिफ्ट हुई थी यहाँ तो वैसे ही सब पैक में रखे थे तो मैं निकाल रही थी और साथ ही साथ मुझे मिल गया हमारा लहंगा जो कि मैंने अपने करवा चौथ पे पहना था। आप लोगों को याद ही होगा करवा चौथ पे हमारी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी एक्चुअली प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ी वीकनेस आ ही रही थी उन 3 मंथ में मुझे बहुत कमज़ोर हो रही थी वीकनेस हो रही थी बीपी लो हो रहा था सारी समस्याएं मुझे उस 3 मंथ में हुई थी तो मुझे फीवर भी था बहुत तेज मेरी हालत ऐसी थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी तो मैंने ये लहंगा मतलब स्टिच करवा लिया था करवा दिया तो पहनने के लिए पहना भी था और लेकिन जिस मन से जिस मतलब मुझसे अच्छे से पहनना चाहिए था ना उस तरीके से नहीं पहन पाई थी मैं और सर्दी से ही बचना है और अगर स्वेटर पहन लेंगे नहीं आएगा तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सोच तो मैं चलो एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं लगेगा कैसे अगर ठीक लगता है इसको ऊपर से बांधने से और पहले से तो सोचेंगे लेकिन फिलहाल तो मेरे सच में उसी साड़ी पे ही मतलब आपकी तो अब मैं इसको पहन के दिखाती हूँ अच्छे से वैसे मेरा जो टमी है काफी ज्यादा निकल चुका है लेकिन ऐसा लग रहा था ना जब मैं इसको नाप के देखा तो ऐसा लग रहा था कि जितना इसका ऊपर का मतलब खुला हिस्सा है उतना ही बराबर ही मेरा टमी है बराबर ही आ जाएगा तो मैंने पहन के तो फंस गया ना तो साइड में चैन दी हुई है आराम से इसको बंद कर लेंगे लेकिन पहनने में बहुत कंफर्टेबल लगा मतलब कंफर्ट लग रहा था ऐसा नहीं लग रहा था कि सरक रहा है या गिर रहा है या मुझे बहुत टाइट लग रहा है ऐसा कुछ नहीं लग रहा था और ठीक लग रहा था मुझे तो बस वही मैं पहन के चेक करके देख रही हूँ एक्चुअली सर्दी बहुत है ना इस वजह से जब मैं साड़ी डालूंगी ओपन पल्ला में तो साड़ी को बांधने का तरीका होता है आप नाभी से नीचे से बांधिए तो साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है और इस टाइम इतना पिट मतलब निकला हुआ है अगर मैं वहां से बांधूंगी तो बहुत ज्यादा दिखेगा हालांकि कोई शर्म की बात नहीं है मैं प्रेग्नेंट हूँ इसमें कोई शर्म की बात नहीं है गर्व की बात है कि हाँ हर किसी को माँ बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी शर्म लगती है तो हाँ देखिए मैंने पहन तो लिया है आप लोग देख लीजिए कैसा लग रहा है तो बस सर्दी से बचने के लिए और थोड़ा सा अपने टमी को छुपाने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ वैसे तो साड़ी भी पहन सकती हूँ मैं लेकिन मैं सोच रही हूँ और जब मैंने ये भी येलो चुन्नी लगा के दिखाऊंगी ना तब इसका लुक पता चलेगा और अभी मैं जो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ येलो चुन्नी की जगह मैं अपनी रेड बनारसी चुन्नी लगाऊंगी सॉरी बनारसी है या फिर शायद बनारसी चुन्नी है वो वाली रेड वाली लगाऊंगी ना तो और अच्छी लगेगी तो फिलहाल तो अभी मैं येलो लगा के दिखा रही हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ बनारसी भी लगा के देखूंगी तो कैसी लगती है तो वो भी लगाऊंगी तो प्लीज आप लोग एक बार और सजेस्ट करिएगा मुझे वैसे तो साड़ी तो हमेशा परफेक्ट रहती ही है लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन है मेरी और कंफर्टेबल की बात है कि मुझे क्या कंफर्ट लगेगा उस हिसाब से हर चीज सोचते हुए तो वही पूछ रही हूँ मैं आपसे तो प्लीज एक बार कमेंट करना और मुझे जरूर बताना मुझे सजेस्ट करना कैसा लग रहा है जरूर बताना मुझे
यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से भी बात करती जा रही हूँ कि देखो अब ठीक लग रहा है ना, ना पीछे से दिख रहा है कुछ, ना आगे से, एकदम परफेक्ट लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है, तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो वो तो कह रहे थे हाँ ठीक ही है। तो कुछ इस तरीके से पहन लिया है मैंने और ये चुन्नी इस तरीके से लगा ली है, थोड़ा सा दूर करके दिखाती हूँ मैं। और उस तरीके से नहीं जैसे बांधते हैं कि यहाँ पे चुन्नी इस तरीके से पिन अप करके, अभी कोसी है यहाँ पे ऐसे पिन हो जाएगी। और ये ज्यादा इस वजह से चुन्नी भी छोटी पड़ रही है। और यहाँ से ऐसे जाके ऐसे, और कुछ ऐसा वाला लुक आएगा ना, ये वी वाला। तो ये कैसा लग रहा है, इसे पेट भी कवर, सब कुछ कवर, पीछे से भी, इसलिए मैं ये सोच रही हूँ। हाँ आधा कह रही, मुझे भी पहनना है, अभी पहनाएंगे तो छोटा वाला लहंगा पहनाएंगे। तो एक बार इसको भी जरा बताना डिसाइड करके कि ये ऐसे अच्छा लग रहा है या फिर सिंपल ऐसी चुन्नी ले लेंगे ऐसी वाली। वैसे ऐसे कम अच्छा लग रहा, वैसे वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में क्या राय है जरूर बताना मुझे, कैसा लग रहा है। बड़ा परेशान हो गई हूँ, आखिरकार पहनू तो क्या पहनू, है ना। एक बार, बस एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ, क्योंकि अब वक्त ही भी बहुत कम है और रेडी करना है, तैयार होना है तरीके से ना, और सर्दी से ही बचना है और दिखने में भी ठीक अच्छा लगना चाहिए। और वैसे तो वो ऑप्शन है ही, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ओपन रहेगा क्योंकि साड़ी में बहुत ज़्यादा ओपन भी रहता है, इसलिए ये वाला मैंने अचानक से दिमाग में आया तो मैंने ये निकाल लिया है और ये डाल के देख लिया है। ठीक लग रहा है पहनने में, तो कम्फर्ट लग रहा है और कम्फर्टेबल भी फील करना है, कभी थोड़ी देर भी थोड़ी पहनना है, काफी देर तक पहनना है। तो चलिए 11 बजने वाले हैं रात के, और कुछ नहीं बनाया था, इच्छा नहीं थी खाना वाना खाने की, क्योंकि बाहर गए थे तो बाहर पिज्जा खा के आए थे इसलिए पेट भर गया था। लेकिन फिर थोड़ी बहुत तो भूख लगी थी तो पराठा बना लिया था, सब्जी रखी हुई थी तो एक पराठा मैंने खा लिया, दो पराठे इनके लिए बना दिए, थोड़ा सा आध्या वो खिला दिया, मतलब एक दो पराठे में से। तो बस बस थोड़ी सी कंफ्यूजन और है, मेरी दूर हो जाए तो बस ठीक है, वरना वरना पता नहीं क्या होगा। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।